ऑलराइट गाइस, क्या आप लोगों को पता है इंसान की हिस्ट्री में पहली बार किसने वीडियो गेम बनाया है? क्या आपको पता है गेमर्स अपने सपने को खुद ब खुद कंट्रोल कर सकता है? तो आज के वीडियो में मैं 10 ऐसे गेमिंग फैक्ट्स लाया हूं जिसे शायद ही आप लोगों को पता होगा। तो ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। द गेम बॉय, ये दुनिया का पहला ऐसा गेमिंग कंसोल था या फिर वीडियो गेम कंसोल था जिसे पहली बार स्पेस में लेकर गेम खेला गया। साल 1993 में इसे पहली बार एक रशियन रॉकेट के जरिए MIR रशियन स्पेस स्टेशन में इसे भेजा गया था, जहां पर अलेक्जेंडर ब्रॉब ने इसे खेला था। बाद में इसे $1,220 में बेचा गया था। इस दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग कलेक्शन है एंटोनियो मोंटेरियो नाम के एक बंदे के पास, जो टेक्सास अमेरिका में रहता है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था 20,139 गेम कलेक्शन की वजह से। इनके पास सेकेंड जेनरेशन से लेकर 8th जेनरेशन तक सारे के सारे गेम्स मौजूद है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को 8 दिन लगे थे इन सारे के सारे गेम की कलेक्शन को गिनती करने में। हम लोगों को तो ये पता है आम इंसानों की तुलना से गेमर्स की मोटर स्किल और रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा बेहतर होता है, पर क्या आप लोगों को ये पता था गेमर्स अपना ड्रीम खुद ब खुद कंट्रोल कर सकता है? साइंटिस्ट ने प्रूव कर चुका है कि गेमर्स अपना जो सपना है ना, उसे खुद ब खुद कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल कर सकता है। मैंने तो आज तक नहीं किया, क्या आप लोगों ने किया है? आप लोगों ने तो मशहूर पैकमैन गेम जरूर खेला होगा, पर क्या आप लोगों को पता है पैकमैन गेम का पहला नाम क्या था? तो पैकमैन गेम का पहला नाम था पकमैन, या फिर PUCMAN पकमैन, और इसे पहली बार पूरा का पूरा कंप्लीट किया था बिली मिचेल नाम का एक बंदे ने। क्या आप लोगों को पता है फादर ऑफ गेमर्स किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ गेमर्स इंजीनियर रैल्फ बेयर को कहा जाता है, जिसने पहली बार ब्राउन बॉक्स नाम का पहला कमर्शियल गेमिंग कंसोल मार्केट में उतारा था। आप लोगों ने तो जरूर सुपर मारियो या फिर मारियो का बहुत ज्यादा पार्ट खेला होगा, पर क्या आप लोगों को पता है जो मशरूम्स आप लोग मारियो में या फिर सुपर मारियो में देखते हो वो असल में क्या कहा जाता है? तो उस मशरूम को रियल लाइफ में भी पाया जाता है और उसे कहा जाता है वेल मशरूम्स। इसका जो साइंटिफिक नेम है उसे नाम दिया गया है एमानीटा मस्कोरिया। क्या आपको पता है 2019 तक एक्टिव एग्जिस्टिंग गेम्स का संख्या है 1,181,019। अगर मैं प्रोनाउंस करूँ तो 1,181,019 गेम्स। आप लोगों को शायद लगता होगा इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग गेम होगा GTA 5, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग गेम है माइनक्राफ्ट। आप लोगों को पता ही होगा माइनक्राफ्ट के बारे में, तो उसका टोटल जो सेल्स रिकॉर्ड है वह है $180 मिलियन। समझ सकते हो गेम से इतना ज़्यादा कमाई। लास्ट वाला फैक्ट आपको ज़रूर शॉक कर देगा। आपको क्या पता है टेट्रिस नाम का एक गेम है जो हमारे इंसानों का सेक्सुअल कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। अब इसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, पर जितना तुम लोग समझ पा रहे हो ना उतना ही है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगा है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहिए, हो सके तो ग्लव्स पहनिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय। क्रेजी फ्रैंकलिन के लिए।